हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे 10th एमपी बोर्ड के लेसन नंबर 3 ऑफ एक्सपेंस के बारे में, जिसके राइटर हैं फ्रांसिस बकून। इस लेसन में फ्रांसिस बकून ने कुछ फाइनेंशियल एडवाइस शेयर की हैं, जिनको फॉलो करके हम मनी मैनेजमेंट सीख सकते हैं और हमें पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस लेसन। सो विल फर्स्ट रीड इट, इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर इसका हिंदी में मीनिंग समझेंगे। सो लेट्स गो एंड रीड इट। रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शंस। देयरफॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी लिमिटेड बाय द वर्थ ऑफ द ओकेशन। द वॉलेंट्री अनडूइंग मे बी एज वेल ऑफ अ मैंस कंट्री एज फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। इसका मतलब है पैसा और संपत्ति एक ना एक दिन तो खर्च होती ही है। लोग पैसा खर्च करते हैं समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। पैसा दान में और अलग अलग भलाई के कामों में भी खर्च होता है। ज़्यादा पैसा खर्च करना और इन्वेस्ट करते समय हमें बुद्धि का यूज़ करना चाहिए। अपनी लग्जरीज़ के लिए खर्च करते समय भी हमारे पास पैसों का खर्च करने के वैलिड रीज़न्स होने चाहिए। नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। पहले हम इसको पूरा रीड करेंगे, उसके बाद में फिर हम इसका मीनिंग समझेंगे। बट ऑर्डिनरी एक्सपेंस ओट टू बी लिमिटेड बाय अ मैंस स्टेट एंड गवर्न विद सच रिगार्ड एज इट बी विद इन हिज कंपस एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसिट एंड अब्यूज ऑफ सर्वेंट एंड ऑर्डर टू द बेस्ट शो दैट द बिल्स मे बी लेस देन द एस्टिमेशन अब्रॉड। दैट मीन्स नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस भी व्यक्ति की कमाई और संपत्ति को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। गलत काम में पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। सर्वेंट और एम्प्लॉय भी एक संपत्ति की तरह होते हैं, तो एम्प्लॉयर को उन्हें नीचा दिखाने के लिए पैसे की बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, व्यक्ति के खर्चे उसकी इनकम से कम ही होने चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पैरा। सर्टेनली इफ अ मैन विल कीप बट ऑफ इवन हैंड हिज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ओट टू बी बट टू द हाफ ऑफ हिज रिसीप्ट and if he thinks to wax rich but not the third part, it is no business for the greatest to descend and look into their own estate. इसका मतलब ideally व्यक्ति के expenses उसकी आधी income से कम ही होने चाहिए। और फ्रांसिस बकून इसमें आगे कहते हैं कि सोच समझकर पैसे खर्च करना कंजूसी नहीं है और खर्चा करते समय अपनी income को ध्यान में रखना ये बुद्धिमानी वाली बात है। Some forbear it not upon negligence alone but doubting to bring themselves into melancholy in respect they shall find it broken. But wounds can't be cured without searching. He that cannot look into his own estate at all, he need both. Choose well those whom he employeth and change them often, for new are more tremorous and less subtle. कुछ लोग लोगों द्वारा नज़रअंदाज किए जाने के डर से पैसे को सेव करने के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते और बिना सोचे समझे पैसे को बर्बाद करते हैं और खुद बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद आदमी को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दूसरों का कर्जदार होना पड़ता है, मतलब उसे दूसरों से कर्जा लेना पड़ता है और वो दूसरों को खर्च करते देख उन्हें ताकता रहता है और उसका काम में भी उसका मन नहीं लगता। और फिर बाद में वो जो भी कमाता है तो फाइनेंस को मैनेज करने के लिए उसे दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है और वो एक मैनेजर को हायर करता है जो उसके फाइनेंसेस को मैनेज करता है। फाइनेंस मैनेजर काफ़ी अलर्ट होता है, जो कि उसे समय समय पर पैसे से संबंधित सलाह देता रहता है और मनी प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और उसे कराता है। ही दैट कैन लुक इन टू हिज एस्टेट बट सेल्डम इट व्यू विथ हिम टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज। A man had needed, if he be plentiful in some kind of expenses, to be as saving again in some other, as if he be plentiful in diet, to be saving in apparel, if he be plentiful in the hall, to be saving in the stable, and the like. इसका मीन है, जो व्यक्ति पहले से अपने कामों में बिजी होता है, उसे एक इंटेलिजेंट पर्सन को काम पर रखना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति उसके बिजनेस प्रॉपर्टी और वेल्थ को मैनेज कर पाए। अगर किसी जगह ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं तो व्यक्ति को अपने दूसरे खर्चों में कटौती कर अपने खर्चे को बैलेंस करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो खाने में ज़्यादा पैसे खर्च कर देता है तो उसे कपड़े खरीदने में पैसे बचाना चाहिए।
उसी प्रकार अगर वो शुरू में ज़्यादा पैसे खर्च कर देता है तो बाद के खर्चों में उसे कटौती करके उस पैसे की भरपाई करनी चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर ही दैट इज प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड विल हार्डली बी प्रिजर्व फ्रॉम डिके इन क्लियरिंग ऑफ अ मैंस स्टेट ही मे एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बींग टू सडन एज इट लेटिंग इट रन ऑन टू लॉन्ग फॉर हैस्टी सेलिंग इज कॉमनली एज डिसएडवांटेजेबल एज इंटरेस्ट। अगर व्यक्ति बिना रोके पैसे खर्च करता ही रहता है तो वो एक दिन कंगाल हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि वो आदमी जमीन बेचता है और जल्दी कर्जे से मुक्त होना चाहता है और जल्दबाजी में किए गए सौदे हमेशा फ्यूचर में नुकसानदायक ही सिद्ध होते हैं। बिसाइड्स ही दैट क्लियर्स एट वंस विल रिलैप्स फॉर फाइंडिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ स्ट्रेट्स ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम बट ही दैट क्लियर्ड बाई डिग्रीज एंड ड्यूक अ हैबिट ऑफ फ्रगल्टी एंड गेंथ एज वेल अपॉन हिज माइंड एज अपॉन हिज स्ट्रेट। और एक बार जब उसका कर्जा चुक जाता है उसके बाद वो फिर से ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति वो होता है जो अपने खर्चों में कटौती करके अपने कर्जे को पहले उतारता है। ऐसा करके वो लॉन्ग रन में सुखी रहता है क्योंकि उसे अपने फिजूल खर्चों में कटौती करना आ जाता है, उसे अपने फिजूल खर्चों में कटौती करने की आदत हो जाती है और ये आदत उसकी लाइफ को आसान बना देती है, जिसकी वजह से वो पैसे की वैल्यू समझ पाता है और उसे मैनेज कर पाता है। सर्टेनली हु हैज अ स्टेट टू रिपेयर मे नॉट बी डिस्पाइज स्मॉल थिंग्स एंड कॉमनली इट इज़ लेस डिसऑनरेबल टू अबाइड प्रिटी चार्जेस देन टू स्टॉप अ प्रिटी गेटिंग्स। A man ought wisely to begin charges which once begun will continue, but in matters that return not he may be more magnificent. और आखिर में अपने खर्चों में कटौती करना ज़्यादा अच्छा है बजाय दिवालिया होने के और समाज में मजाक बनने के। दिवालिया व्यक्ति अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसों के लिए अपराध भी कर सकता है। ये बेहद बुरी स्थिति है। जो भी इंसान इस मानसिकता से ऊपर उठ जाता है वो निश्चित ही समाज में उसकी रिस्पेक्ट होती है और वो एक सुखी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जी पाता है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ एक्सपेंस रिटन बाय फ्रांसिस बकून। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। बाय बाय एंड सी यू लेटर।